बोलो बोलो बोलो, जीजे जी कहाँ हैं? आपने देखा कि क्यों, उनसे कोई अर्जेंट काम था क्या? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। भैया जीजा जी से अगर पैसे मांगने हो ना, बड़ा चढ़ा के मांगना। राज को बढ़ा के? अब राज ऐसे तो बढ़ नहीं सकता, ऐसे बड़ा है क्या? नहीं नहीं दीदी, मेरा मतलब था बड़ा चढ़ा के बोलना, समझे? अभी देखो ना, कल मुझे 50 रुपए की जरूरत थी, मैंने उनसे 500 रुपए मांगे, मुझे मिले 50 ही, मेरा काम हो गया ना। तो मुझे तो 500 चाहिए, तो मुझे कितना मांगना चाहिए? आइए क्यों सुबह सुबह भीड़ लगा के रखी, काम पे जाने दो लोगों को। जी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? वो क्या है, मुझे कल बाहर जाना है तो नया शर्ट लेना है। ये बात है, ये ले 5 रुपए, बाकी के करोड़ अपनी दीदी से ले लेना। दीदी, दिस इज टू मच, मेरे भाई की औकात सिर्फ 5 रुपए की है क्या? अरे नहीं लक्ष्मी नहीं, कैसी बात करती हो, गुल्लू की औकात तो 1.5-2 रुपए की है। मैंने ऊपर के जो 3 रुपए है ना, वो तो सद्भावना पुरस्कार दिया है। तुम्हें बहुत घमंड हो गया है तुम्हारे रुपयों पर, देखना हमारे हाथ भी बहुत सारे रुपये लगने वाले है। क्या कुछ बैंक वैंक लूटने का इरादा है क्या? नहीं, लॉटरी खरीदी है 51 लाख की, और ये 51 लाख हमें लगने वाले हैं। 51 लाख के होंगे 1 करोड़, 1 करोड़ के होंगे 2 करोड़, लक्ष्मी 2 करोड़ के होंगे 3। लक्ष्मी सुनो तो, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे अपने दोस्त का वाकया याद आ गया। अच्छा? उसने भी लॉटरी की टिकट खरीदी थी और कहने लगा 50,000 के होंगे 1 लाख, 1 लाख के होंगे 2 लाख, 2 लाख के होंगे 4 लाख, और फिर एक दिन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि खुल गई लॉटरी, खुल गई लॉटरी, खुल गई लॉटरी। जीजा जी फिर क्या हुआ? फिर क्या, पागल खाने वालों ने उसे जनरल वार्ड से निकाल के आईसीयू में डाल दिया। राज तुम कहाँ हो? राज, ओहो राज, उठो उठो। क्या हुआ? आग लगी, भागो भागो भागो। नहीं, बहुत अजीब खबर है, क्या? इसे सुन के तुम बेहोश हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता भगवान, ये नहीं हो सकता, मुझसे इतना क्रूर क्यों हो रहा है तू? क्या हुआ राज? लक्ष्मी मैं जानता हूँ तुम मुझे कौन सी खबर देने वाली हो। कौन सी खबर? तुम्हारी माँ यहाँ रहने आ रही है ना। ओहो नहीं राज, तो फिर देखो मुझे 51 लाख की लॉटरी लग गई है। लॉटरी? वाह 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 लक्ष्मी, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। लाओ जल्दी से वो टिकट दे दो। तुम क्या करोगे इस टिकट का? अरे वाह, ये जाके टिकट दूंगा तब जाके 51 लाख रुपए मिलेंगे ना। लक्ष्मी भूल गई, तुम्हें तो कहा करती थी राज, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम्हारी पहली लाइन सही है, दूसरी लाइन गलत है। दूसरी? राज जो तुम्हारा है वो मेरा है और मेरा है वो मेरा ही है। ओहो लक्ष्मी, हम दोनों के बीच पैसे की दीवार खड़ी मत करो। देखो ये टिकट मुझे दे दो, आखिर तुम मेरी पत्नी हो ना। ए पत्नी? ओ भाई साहब, रिश्ता बराबरी वालों में होता है क्यों? और अब याद आया कि ये आपकी पत्नी है? नहीं तो हमेशा कहते थे कि भगवान ने मेरे बुरे कामों का बदला लेने के लिए ही यमराज को लाठी खानदान के रूप में पैदा किया है। अरे वो तो मैं मजाक किया करता था, मैं कितना जॉली हूँ ना लक्ष्मी, बहुत जॉली हूँ, हमेशा मजाक करता रहता। लाओ टिकट मुझे दे दो। दीदी दीदी नहीं, अरे इस लाखों रुपए से हम लोग लाठी खानदान का प्रचार करेंगे। हाँ, लाठी ट्रस्ट खोलेंगे, लाठी अनाथालय खोलेंगे। क्या यानी उस 51 लाख में मेरा जरा भी हिस्सा नहीं होगा? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अनाथालय में आपके लिए भी एक सीट रखेंगे हमेशा के लिए, है ना दीदी? चुप कर गुल्लू, राज की बात सही है, पति पत्नी के बीच पैसा नहीं प्यार इम्पोर्टेंट होता है। तुम महान हो लक्ष्मी। हाँ, पैसा चाहे तुम खर्च करो या मैं खर्च करूँ, एक ही बात है, तुम महान हो लक्ष्मी, क्योंकि हम दो बदन एक जान है। कितना सच कहा लक्ष्मी, लाओ। इसलिए पैसा मैं खर्च करूंगी। सर सर क्या है? सर ये लीजिए, आज आज मेरी तरफ से, ऐश कीजिए सर। ये क्या बेहूदगी है, केले पे मसाला छिड़क के दे रहे हो तुम मुझे? सर सर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप ही ने तो सिखाई है। शट अप, देखो क्लिनिक में काम करना तो ढंग से किया करो, समझे? ठीक है सर, मेरी 6 महीने की तनख्वाह दीजिए, मैं चला जाता हूँ। कमाल करता है दोस्त, कमाल करता है। इतनी छोटी सी बात पे नाराज होता है क्या? बड़ी भूख लगी, अकेला अकेला है। सुन, थोड़ा और मसाला, और थोड़ा और आ जाएगा। क्या बात है सर, आज आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। क्या बताऊं दोस्त, मेरी पत्नी को 50 लाख की लॉटरी लगी। ओ
और फिर तो लक्ष्मी भाभी आपको स्वर्ग से भागी हुई अप्सरा लग रही होगी। नहीं, नर्क से भागी हुई हिडम्बा लग रही है। हिडम्बा क्यों सर? क्योंकि उस 50 लाख रुपए में से 1 रुपया तक उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। अरे सर, फिर परेशान होने की क्या बात है? 1-2 दिन जरा प्यार से उनसे बात करके जरा उनको पटा लीजिए ना। ये भी नहीं हो सकता ना यार। क्यों? शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ और इतनी दूर से मैं उसे कितना भी प्यार करूं वो नहीं पटेगी। तो फिर एक ही तरीका है सर। क्या? मौका देखिए और उड़ा दीजिए लक्ष्मी को। नहीं सर, लॉटरी की टिकट को। कैसे कैसे? आसान है सर, आसान है। क्या है कि अपने इस क्लिनिक के कागजात लेकर उनके पास पहुंचाइए। हाँ, और ये 2 करोड़ का क्लिनिक उसको 50 लाख में बेच दूं? मेरी बात तो सुनिए सर। क्या? वो कागजात उनको देकर उनसे कहिए कि ये कागजात ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी की नजर न पड़े। फिर भाभी जी जरूर ये कागजात वहीं छुपा देंगे जहाँ पे लॉटरी की टिकट छुपाई होगी। और फिर मौका देख के आप लक्ष्मी, तो मैं चलूं? बाय राज। बाय। अरे राज। हाँ? दादाजी की तस्वीर को प्रणाम नहीं करोगे जाने के पहले? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बैग को भी तो आशीर्वाद की जरूरत होती है। जय हो जय हो। ये प्रणाम भी मैंने उनके कहने से किया, समझे? बताए लक्ष्मी, मैंने दादाजी से तुम्हारी भी लंबी उम्र की प्रार्थना की है। So sweet. अब तो मैं जा सकता हूँ ना? Yes. Bye guys. Bye. 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 बेचारे जीजाजी, इनको ये भी नहीं मालूम हमको चोरी करने के लिए 1 सेकंड भी काफी होता है। काओ, काओ। अरे यहीं पर तो रखा था। ओहो। आखिर गया तो गया कहाँ? लगता है गुम हो गया। और अगर वाकई गुम हो गया है तो लक्ष्मी मुझे गुम कर देगी। नजर ना लग जाए। दीदी मुझे यकीन है पूरा शहर हमें देखते ही बालकनी से उल्टा लटकने लगेगा। और जिसके घर में बालकनी ना हो वो मनवा लेंगे लटकने के लिए। हेलो 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं राज बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा सुनो सुनो, गौर से सुनो, मेरा दिल्ली में एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसके घर एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। तुम जरा ख्याल रखना, हमारे घर तो कोई चोरी नहीं हुई ना, कोई महंगी चीज चुराई तो नहीं गई ना, जैसे जैसे हाँ वो लॉटरी की टिकट। राज डोंट वरी, वो लॉटरी की टिकट हमने कैश भी करवा ली और 50 में से 10 लाख खर्च भी कर लिए। क्या कर रही हो? इस तरह फजूल खर्च मत किया करो लक्ष्मी। देखो राज, वो पैसे मेरे हैं और मैं कैसे भी यूज करूं, मैं चाहूं तो कुएं में भी डाल सकती हूं, तुम्हें उसे क्या। ये बात है तो जहन्नम में जाओ। और सुनो, आज से आर्थिक रूप से तुम मेरी पत्नी नहीं और फाइनेंशियल रूप से मैं तुम्हारा पति नहीं। राज का फोन था, कह रहा था कि लॉटरी की टिकट चोरी हो गई है। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी। एनी प्रॉब्लम बेबी? यस गुल्लू भैया। भैया क्या आप मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हैं? ऑफ कोर्स बेबी। थैंक यू बुल्लू भैया। अरे डॉली, तुम्हारे डैडी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, तो ये नौबत। हाँ दीदी। अरे मैंने तो 20 रुपए मांगे थे, आपने मुझे 100 रुपए दिए। We can afford it. यही तो, मेरे पापा को भी यही बुरी आदत थी, इसलिए आज हम पर ये नौबत आ गई। अच्छा ये लीजिए। ये क्या है? ये उन लोगों के एड्रेसेस है जहाँ से अक्सर उधार मिल जाता है, आगे चलकर आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी। बाय। डरा रही थी। कम ऑन, पैसा खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढते। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो। पहचाना? अरे हाँ,
आप राज के दोस्त हैं ना जो मेंटल असाइलम में है, राज ने आपके बारे में बताया था। शट अप। मैं जग्गू दादा बोल रहा हूँ। सुना है तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी लगी है। सारे शहर में पता चल गया है। हाँ जग्गू भैया, आपने सही सुना है। अब तुम सुनो, कल शाम तक 50 लाख रुपए लेकर तुम मेरे अड्डे पर पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हें यमराज के अड्डे पे पहुंचा दूंगा, समझी? दीदी किसका फोन था? यमराज के ट्रैवल एजेंट का। क्यों? मेरे रिजर्वेशन करवाने के लिए पूछ रहे हैं। तो हो गई आपकी रिजर्वेशन? चलो भागो। पाए लागू दीदी, पाए लागू। हम चले पटना, अगर आपका ग्रुप जिंदा रहेगा तो हमारा ग्रुप आकर मिलेगा। मुझे छोड़ के मत जाओ ना भाई, मैं आखिर तुम्हारी बहन हूँ ना। नहीं दीदी नहीं, शादी के बाद बहन पराई हो जाती है। बहन के घर का पानी पीना भी पाप होता है। अब तक जो पिया उसके लिए सॉरी। चलो भागना तो भाग। अच्छा ठीक है, मैं जग्गू दादा को कह दूंगी कि 40 लाख रुपए तुम लेके भाग गए हो। दीदी तू ऐसा नहीं कर सकती, आखिर हम तुम्हारे भाई है ना। शादी के बाद भाई पराए हो जाते हैं, ऐसे तुमने ही कहा था ना। गलती हो गई। पुल्लू प्लीज तुम लोग मेरे साथ रह जाओ ना, मैं तुम लोगों को इनाम के 10-10 लाख रुपए दे दूंगी। 10 लाख? फिर ठीक है, हम यहीं रहकर जग्गू दादा से बचने का आइडिया सोचते हैं। आइडिया? जग्गू दादा को मारने के लिए किसी गुंडे को सुपारी देते, चल। और अगर वो गुंडा जग्गू दादा की पहचान का निकला तो जग्गू दादा सुपारी खिला खिला कर हमें मार देगा। नहीं नहीं नहीं, दूसरे कुछ आइडिया है? तो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं। करेक्ट। हाँ, हम उनसे कहेंगे पुलिस हेडक्वार्टर में हमें रहने के लिए कोई क्वार्टर दो ना प्लीज। मैं गुलमर सिंह लाठी। मैं फूल सिंह लाठी। और मैं लक्ष्मी सेठी, लेकिन जन्म से लाठी। क्या? देखो ये गन लेकर मेरे पास खड़े रहो और मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्शन दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक गुंडे ने हमसे 50 लाख रुपए मांगे, अगर हमने नहीं दिए ना तो हमें वो 50 लाख लात मारने वाला है। हमारी जान खतरे में है। घबराइए मत, आपकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है, हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। भाई तो गुंडे का नाम क्या है? जग्गू दादा। हवलदार, वो पिछले महीने घई साहब का कुत्ता गुम हुआ था, उसका कुछ सुराग मिला क्या? सर तलाश जारी है। वो कुत्ता उत्ता बाद में ढूंढना, पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना प्लीज। देखिए फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शहर की पूरी पुलिस फोर्स किसी ना किसी की प्रोटेक्शन के लिए है। आई एम रियली हेल्पलेस। यानी आप हमारी मदद नहीं कर सकते? मैं एक काम कर सकता हूँ। हवलदार! अरे तुम नहीं, हवलदार गन लेकर आओ। देखिए मैं आपको ये गन दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की सारी जिम्मेवारी आपकी अपनी होगी। मेरी जान तो बच गई। देखिए गुल्लू जी, ये गन मैं तुम्हें सिर्फ पैसे की हिफाजत के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारी जान भले क्यों ना जाए। हाँ? ये क्या है? फुल्लू चलो घर। चलो। सर, आपने गन तो दी, इसमें गोलियां तो नहीं है? जानता हूँ, ये गन अब लाठी खानदान के हाथ में है, गोलियां देके रिस्क कौन लेगा? ओहो कम ऑन। दीदी मैं अभी कहता हूँ खतरा है, हमें कहाँ ले जा रही है? अरे नेकलेस के बिना मेरा गला कितना सूना है। दीदी चक्कू दादा हमारे लिए गले का फंदा ढूंढ रहा है और तुम्हें गले के हार की पड़ी है। देखो ना चक्कू दादा आ गया, हाथ पैर लेके आ गया। ओह माय गॉड, शायद मैं अपना पर्स भूल गया। बोला बोला बोला, भाग गया भाग गया। वो आ रहा है। अंकल अंदर से मैं लेके आऊं क्या? आप ला कर दोगे? अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारी मेहनत की कमाई हमसे छीन रहे हो? मेरी बॉल आपके मेहनत की कमाई कैसे हो गई? बॉल? हाँ मेरा बॉल अंदर गिरा है, मैं वो ही लेने आया हूँ। चलो हटो। ये गोली मार दूंगा। स्टूपिड, खाम खा डरा दिया। और वैसे भी जग्गू दादा का आदमी बैट लेके थोड़ी आएगा, वो तो है ना गन लेकर आएंगे। राइट। ए आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। पिच्याम, पिच्याम। अरे गोली नहीं, ये तो बेहोश होगी। दीदी मैं पहले बेहोश होऊंगा।
गुल्लो आखिर एक ना एक दिन तो तुझे मेरे हाथों में फंसना ही था। आप एक काम कीजिए, इन्हें ले जाइए, तब तक मैं अंदर से पैसे लाता हूँ। अरे ये झूठ बोल रहा है, पैसे तो हमने बैंक में रखे हैं। और वहाँ मेरे सिग्नेचर के बिना चलता नहीं। हाँ आप दो मिनट यहाँ रुकिए, हम आधा घंटे में वापस आते। चलो ये आइडिया तुम इससे पहले कितनी बार यूज कर चुके हो? 9 बार। और कितनी बार कामयाब रहे हो? 1 बार भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम कामयाब होगे? तो चले दीदी। दम्बुक दम्बुक चाचा बाय। ये उल्टा भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। क्या? जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, तब से मैं आपको ही देख रहा हूँ। क्यों? आप कितने हैंडसम लगते हैं, दिल से भी अच्छे हैं। मस्का लगा रहे हो थोड़ा सा, हाँ लेकिन बात बिल्कुल सच है। हाँ। बड़ा दिलचस्प आदमी है, मुझे तुम पसंद हो। थैंक यू। दादा को जो भी आदमी पसंद आता है ना, उसे मार कर वो अपने बेडरूम में टंगवा देते हैं। अच्छा काम हो तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं, इतना भी पसंद मत करो भाई प्लीज। तो फिर अपनी बहन को फोन करो और कहो कि 50 लाख रुपए लेके फौरन आ जाए। वो आ रही है, मुझे बोला आ रही है। फोन करो। कर रहा हूं ना, अभी करता हूं। ठीक है, फोन लगाया। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। आई बेटे, 100 तो पुलिस का नंबर है ना? हाँ, गलती से घुमा दिया। हाँ। दादा, गलती से इसके पेट में 2-3 गोलियां डाल दो। नहीं 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 नहीं, लग रहा है फोन लग रहा है क्या? हेलो। हाँ लगे। हेलो हेलो, ओ दीदी पैसे लेकर आने वाली थी, क्या हुआ? हाँ एक मिनट, मैं अभी दीदी को बुलाता हूँ। दीदी दीदी, गुल्लू भैया का फोन है, वो कह रहे हैं कि हेलो। हेलो दीदी, तू पैसे लेकर आने वाली थी ना, क्या हुआ पैसों का? पैसे? कौन से पैसे? कौन बोल रहे हैं आप? मैं गुल्लू। गुल्लू गुल्लू, आई एम सॉरी, मैं किसी गुल्लू को नहीं पहचानती। दीदी सुनो, दीदी दीदी मुझे बेडरूम में उल्टा टंगवा दो। अब क्या होगा दीदी? होना क्या है, लाठी खानदान के शहीदों में एक और नाम जुड़ जाएगा, गुल्लू लाठी का। ओ, तुम फिर यहाँ खड़े हो? तो यार बहुत काम है मुझे। दीदी जीजा जी आ गए। हाँ। चलो उन्हीं से पैसे मांगते हैं। हमारे पैसे भी बच जाएंगे और गुल्लू शहीद होने से भी बच जाएगा। राज, गुल्लू किडनैप हो गया है और किडनैपर हमसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तुमने जो 50 लाख रुपए मिले हैं ना वो दे दो उसे। नहीं जीजा जी, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, आप दो ना पैसे। ओहो, तो फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक मेरी 50 लाख की लॉटरी नहीं लग जाती। गुल्लू चाहे जैसा भी हो, है तो अपना ही ना। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपना सब कुछ लुटा कर भी गुल्लू भैया को वापस ले आता। तो एक काम करना, तू खुद वहाँ चला जा, गुल्लू को यहाँ भिजवा दे। राज, मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है। करेक्ट, किसी इंसान को बचाने की बात होती तो मैं जरूर मदद करता। हाँ ये बात भी सही है। दीदी जीजा जी प्लीज जरा सोचो, हमारे गुल्लू भैया का क्या होगा? गया। कौन? अरे ये लॉटरी का टिकट भी गया। समझा, लगता है जीजा जी हमारी मदद नहीं करना चाहते। इसका ये मतलब है कि गुल्लू का शहीद होना पक्का? नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुल्लू 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 भैया आओ मेरे गले लग जाओ। भैया घबराओ मत गुल्लू, गुल्लू को गले समेत घर ले जाओ और घर जाकर जी भर के गले पड़ना। सुनो, इसमें माल पूरा है ना? अगर नहीं भी हो तो आप इसे रख दीजिए, मैं कमा कमा के दे दूंगा। अच्छा मजाक करते हैं आप। नहीं नहीं, पूरे हैं अंकल, बिल्कुल पूरे हैं। अंकल मैं चलता हूँ, आंटी जी को मेरा प्रणाम जरूर कहना। जरूर। कितने कल्चर्ड बच्चे हैं,
भैया जल्दी भागो। क्यों? अरे भागो तो भैया। आप वो ऑटो रोको, तब तक मैं अंकल को चिढ़ाता हूँ। ए बुड्ढे, उसमें नोट नकली है, बैग में नोट नकली है, नकली है। रुको, रुको। सॉरी अंकल। आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या? क्यों हमें तंग कर रहे हो? सीधी सी बात है, तुम्हारी बहन हमें पैसे लाके दे दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। जल्दी, मैं अभी फोन करता हूँ। जल्दी जल्दी फोन कर दे, कर रहा है फोन भी। पुलिस का फोन मत लगा। मैं क्या 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 है, अंकल को पता लगता है ना तो वो बहुत डांटते हैं, हाँ है ना। नहीं नहीं, मैं तो घर का ही फोन लगा रहा था। छोटा है ना, जल्दी कर। हेलो हेलो दीदी, दीदी मैं फुल्लू बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर कहकर काट मत देना। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, जान है तो जहान है। पैसा ही महान है। सॉरी रॉन्ग नंबर। दीदी दीदी क्या हुआ? आ रही पैसा लेकर आ रही है, रो रहा है, इसका मतलब नहीं आ रही। दोनों गए। राज, मेरे भाइयों के बारे में तुम ऐसा हरगिज नहीं बोल सकते। अरे मैं ये लॉटरी के टिकट के बारे में बोल रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। फिर भी जग्गू दादा एक पैसे से मानने वाला नहीं है, पूरे 50 लाख लेकर छोड़ेगा। चिल्लाई तो जान से हाथ धो बैठोगी। और नहीं चिल्लाई तो? फिर भी हम तुम्हारी जान तो लेने आए हैं, यानी चिल्लाने में ही सेफ्टी है। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? राज, चक्कू दादा के आदमी आए थे। अच्छा? जान लेने। मैं तो सारे रुपए दे दूंगी। क्या? वरना वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम पूरे 40 लाख रुपए दे दोगी? हाँ, अगर नहीं दिए तो वो मेरी जान ले लेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हाउ रोमांटिक, तुम मेरी रक्षा करोगे? ऐसा मैंने कब कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाठी खानदान के शहीदों की बुक में मैं तुम्हारा नाम खुद भर्ती कर दूंगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, तुमने हमारी जान बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। जब खुद का बलि चढ़ने का वक्त आया तब जाकर यह बलिदान हुआ है। चुप करो राज, ये तो मेरे भाइयों की ममता ने मुझे मजबूर किया। जानता हूँ दीदी, जानता हूँ, हम उस जग्गू दादा से जरूर बदला लेंगे। अरे ये जग्गू दादा मेरा भी दुश्मन बन चुका है। बनना पड़ा ना। मुझे यकीन था जीजा जी के दिल में हमारे लिए जरूर प्यार उभर आएगा। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कागज के चंद टुकड़ों के लिए जग्गू दादा ने मेरे दुश्मनों को छोड़ दिया। ऐसा मत कहो राज, मत भूलो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? रिश्ता बराबरी वालों में होता है समझी। तो क्या हम बराबरी के नहीं है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली की फैमिली। जीजा जी, इतना इतराने की जरूरत नहीं है, समझे? क्यों? मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है तुझे? आपके क्लिनिक में आप और आपका कंपाउंडर उधार मांगकर केले खाते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा भी आएगा, मेरी भी लॉटरी खुलेगी, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा और फिर केले की जगह कलिंगर खाऊंगा। भगवान मुझ पर जरूर दया करेगा, देखना। तुम क्या समझते हो, भगवान फिर से हम पे दया नहीं कर सकते क्या? एक बार दया करके उसने देख लिया, अभी भी पछता रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी लॉटरी लगेगी? लगेगी अवश्य, इसमें कोई शक। अच्छा, उस लॉटरी के टिकट को ठिकाने लगा दे। पचास लाख गया कितना होता है? एक करोड़ गया। नहीं छोड़ूंगा मैं जग्गू दादा के बाल। जीजा जी, उसके बाल आप काटते हैं क्या? हाँ, ये तो फेक है, यानी राज तुम। ये पता था कि जीजाजी गिरे हुए, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी, गिरते गिरते लेट ही गए। शर्मानी चाहिए उन्हें, हमारे 40 लाख हड़प कर गए और वापस भी नहीं कर रहे। हाँ, और मांगा तो कहने लगे जग्गू दादा नकली था लेकिन उसके आदमी असली थे, फिर से उठवा लूंगा। इतने बेशर्म है, 10 दिन हो गए डिस्पेंसरी में छुप कर बैठे। हाँ, कौन सा मुंह लेकर आएंगे? दीदी मेरी मानो, जीजा जी को तलाक दे दो। हाँ दीदी, पटना में अपने बाजू में दीपू है ना, आज तक तेरी याद में कुवारा बैठा है। पोस्टमैन,
आपके नाम का रजिस्टर है। लगता है जीजा जी ने तलाक के कागजात भेजे हैं। कुल्लू पटना में फोन करते, दीपू को बुला, दीपू को बुला। थैंक यू। श्रीमती लक्ष्मी देवी अपने नाम 40 लाख के शेयर्स पाए। खोड़ीलाल कंपनी में इतने सारे रुपए लगाने के लिए धन्यवाद। यानी मेरे 40 लाख के राज ने शेयर्स खरीदे। हमारे 40 लाख के? गुल्लू हमने राज को कितना गलत समझा। हम जिसे अमरीश पुरी समझ रहे थे वो अमीर खान निकला। चल जाके माफी मांगते। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं जीजा जी के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा, हरगिज नहीं। गुल्लू वहाँ कंपाउंडर का कंधा भी खाली है, तू उस पे सर रख के थोड़ा इमोशनल हो ले जा। राज प्लीज कहो ना, तुमने हमें माफ कर दिया ना। लक्ष्मी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बल्कि भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि देकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। लेकिन आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्या? आपने 40 में शेयर्स खरीदे थे ना, मैंने 50 में बेच दिए। 40 लाख के शेयर 50 लाख में बेच दिए। 50,000 में? अरे 40 से 50 तो ज्यादा ही होते हैं ना। ये समझेंगे नहीं। चल पार्टी मनाएंगे। चलो चलो ये थैंक यू।